नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से जीरा बिस्किट। गेहूं के आटे से यह बिस्किट आप एक बार बनाकर हफ्ते भर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यह बिस्किट जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिस्किट बनाना। बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप गेहूं काटा लिया है और आधा कप देसी घी। बिस्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले घी और चीनी को फेंटेंगे। बाउल में हम घी को डालेंगे। आप चाहें तो बिस्किट घी की जगह बटर में बना सकते हैं। अब इसमें एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, यह खाने वाला मीठा सोडा है, और एक चौथाई कप चीनी पाउडर डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम घी में अच्छे से फेंट कर मिलाएंगे, जिससे घी में चीनी मिलकर एकदम चिकने हो जाएं। हम इसे इसी तरह 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप उससे भी फेंट सकते हैं। चीनी और घी हमने फेंट कर एकदम चिकना बना लिया है, एकदम क्रीम जैसे हो गए हैं। अब इसमें एक बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, आधा कप गेहूं के आटा, इसके बाद एक कप मैदा डाल देते हैं, एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका डो बना लेते हैं। बिस्किट के लिए डो हम नरम नहीं बनाएंगे, इसे हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे। टाइट रहेंगे तभी बिस्किट अच्छे बनेंगे। अभी डो बहुत सूखे दिख रहे हैं, तो इसमें हम एक दो बड़े चम्मच दूध डालकर मिलाएंगे। दूध हम इसमें उतना ही डालेंगे जिससे डो गीले न हो और टाइट बने। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिलाकर डो बना लिया है। आप देख सकते हैं इतना सख्त डो हमने बनाया है। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट बाद हमने डो को फ्रिज से निकाल लिया है। डो अच्छे से फूलकर सेट हो गया है। अब इसे हम मसलकर चिकना करेंगे। मसलने के बाद तब इसका हम बिस्किट बनाएंगे। अब डो को हम चपटा करके बेलन से बेलेंगे। हल्के हाथ से हम इसको बेल लेते हैं जिससे फटे ना। हम इसे बहुत पतला नहीं करेंगे। इस तरह से हमने डो को बेल लिया है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी गिलास लिया है, इसी से हम बिस्किट को काटेंगे। आप चाहें तो इसे छोटी कटोरी या फिर ढक्कन से काट सकते हैं, और चाहें तो इसे बर्फी के आकार में चाकू से काट सकते हैं। एक बार में हमने इस तरह से 3 बिस्किट काटा है। अब जो इसका एक्स्ट्रा डो है उसे हम निकाल लेते हैं। इसका हम फिर से मसल कर बिस्किट बनाएंगे। अब बिस्किट के ऊपर हम चम्मच से निशान लगाएंगे जिससे पकाते समय अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इसके बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जीरा लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे डो का बिस्किट बनाना है। बिस्किट को हम पैन में बेक करेंगे, तो पहले हम पैन में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देते हैं। पैन में हमने घी लगा दिया है। अब इसमें हम बिस्किट उठाकर रखेंगे। एक बार में हम 6 से 7 बिस्किट बेक करेंगे, इसलिए हम थोड़े से बिस्किट और बना लेते हैं। आप चाहें तो पैन में बटर पेपर या फिर प्लेट लगाकर बेक कर सकते हैं, उससे भी बिस्किट अच्छे से पकेंगे। या फिर आप चाहें तो कुकर में नमक डालकर उसके ऊपर से प्लेट लगाकर बिस्किट को बेक कर सकते हैं। कुकर में भी बिस्किट चारों तरफ से पक जाते हैं। ये थोड़े बिस्किट हमने और बना लिया है। अब इसे भी पैन में रख देते हैं। बिस्किट बेक करने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब गैस को ऑन कर देते हैं। अब पैन को ढककर बिस्किट को 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देते हैं। ढक्कन के होल को हमने बंद कर दिया है। लगभग 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर बिस्किट को पलट देते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट फूल गए हैं।
और ये नीचे से भी सिक गए हैं, तो अब इसे हम धीरे धीरे पलट देते हैं। अब पैन को हम फिर से ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे दूसरे साइड से हल्के ब्राउन हो जाएं। अब ढक्कन हटाकर हम बिस्किट को देख लेते हैं। ये बिस्किट दोनों साइड से सिक गए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से बेक हो चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम जो बचे हुए बिस्किट हैं उसे भी बेक करेंगे। सारे बिस्किट को हमें इसी तरह धीमी आंच पर बेक करना है। धीमी आंच पर ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और ये जलेंगे नहीं। अब इसे भी हम ढक्कन हटाकर पलट देते हैं। अब पैन को हम फिर से ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब ए वाले बिस्किट दोनों तरफ से सिक गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। पूरे बिस्किट को बनाकर हमने बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं गेहूं के आटे के बिस्किट हमारा बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बिस्किट बने हैं। अब एक बिस्किट हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं बिस्किट कितने खस्तेदार बने हैं। अभी बिस्किट हल्के गर्म हैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो और खस्तेदार हो जाएंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे। जब बिस्किट पूरी तरह से ठंडे हो जाएं, तभी इसे आप किसी डिब्बे में स्टोर करें। इस तरह के बिस्किट आप चाय के साथ या फिर बिना चाय के भी बनाकर खा सकते हैं।